How are you guys doing? Good sir. Good. आप यहाँ पर क्यों? Money task. ये आपका Zeno task है. It's for money and immunity. ये एकदम सही टाइम था ऐसे टास्क का होना ताकि हम एक दूसरे को दिखा सके कि कौन अच्छा है और किस पे टर्म है. आपको दिख गया होगा सेटअप एक मड पिट है. Obviously दोनों टीम्स में फाइट होगा मगर फाइट रेसलिंग वगैरह कुछ नहीं होगा. आपको ये पैडेड स्टिक्स दिख रहे हैं दोनों लाल, इससे फाइट होगा. जीतने के लिए आपको अपने ओपोनेंट को या तो गिराना होगा या उनको इस मड पिट में से बाहर धकेलना होगा. हर टीम में से एक और एक के बीच में ये फाइट होगा. अगर एक टीम की लड़की ने दूसरी टीम की लड़की को पछाड़ दिया, गिरा दिया, हरा दिया तो उस लड़की की जगह उसकी एक टीम मेट ले लेगी और फिर अगली. बट जिसने गिराया वो वहीं पे रहेगी जब तक वो गिरती नहीं है. अगर वो गिर गई तो उसकी रिप्लेसमेंट भी है उसकी टीम में. समझ गया? जीतने के लिए आपको दूसरी टीम के सब लड़कियों को गिराना होगा. सेम विद बॉयज. मतलब ठीक है, ये आगे अपनी वाली बात. अब आ जाओ वन ऑन वन, देखते किस कितना दम है. जब आप लोग ये टास्क कर रहे होंगे अपने ओपोनेंट को हराने के लिए आपको उनको तीन में से दो बारी गिराना, बेस्ट ऑफ थ्री. आप जब ये फाइट कर रहे होंगे आपके टांगों को आपस में रस्सी से बांध दिया होगा. जब लड़कियां ये टास्क करेंगी तो ये आपका मनी टास्क है. इस टास्क में आप 50,000 रुपए जीत सकते हैं. फिर उसके बाद फाइट होगा लड़कों के बीच में, तब ये आपका इम्यूनिटी टास्क होगा. जिस टीम के लड़के जीतेंगे वो पूरी टीम इम्यून हो जाएगी. हमारी टीम में तीन ही लड़के बचे थे और चार लड़कियां, तो इम्यूनिटी टास्क हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था. मैं अपनी टीम को एक चीज बताना चाहता हूँ, इनकी टीम में लड़कियों में स्वाति है, वो एक रेसलर है. लड़कों में गौरव है, वो वुशु में ट्रेंड है और एमएमए खेलता है, फाइट्स करता है. लगता है तुम्हें हरा सकते हो. सर यस. गौरव, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई टास्क नहीं था रोडीज एट में जहाँ पे स्ट्रेंथ की जरूरत थी और मोहित पीछे हट गया. इतना याद रखना कि उसमें बहुत जान है, अंडर एस्टिमेट मत करियो. मैं ऐसा परफॉर्म करूंगा कि मेरे किसी भी लड़के को जरूरत नहीं पड़ेगी आने की, मैं अकेला ही सबको संभाल लूंगा. अब मेरी बात सुनो, ऑब्वियसली इनकी टीम में एक लड़की ज्यादा है, हमारी टीम में एक लड़का ज्यादा है. तो आपको एक लड़की को बिठाना होगा इस टास्क के लिए और आप लोगों को एक लड़के. आपने क्या डिसाइड किया कौन सी लड़की ये टास्क नहीं करेगी? सुगितिका. टीम को लग रहा था कि मैं परफॉर्म करूंगी, फिर से दिखाऊंगी, मैं फिर से बच जाऊंगी, जो वो नहीं चाहते थे. बॉयज, मैं बैठूंगा. क्यों? सर अगर मैं निकल गया तो परफॉर्म मैं अगले बेटर टास्क में कर लूंगा. आई लाइक द स्पिरिट. अब तुम टीम की तरह सोच रहे हो. आई लाइक इट. आई थिंक ये आपने पहला कदम जो लिया है ये सही लिया. रेडी, वार्म अप करना है, स्ट्रेचिंग वेचिंग करनी है, कर लो. हमारे माइंड में एक चीज थी कि हमारे पास दोनों रेसलर्स हैं. पैडेड स्टिक्स को उठा लीजिए पहले. पहले स्वाति आ रही है, बहुत ही बदतमीज लड़की है, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है. मैं चाहती हूँ कि मैं जितना गुस्सा है मैं निकाल दूँ वहीं पे. मेरे पापा हमेशा बोलते हैं हमेशा लड़ना है, कुछ भी करना है मुंह से मत लड़ो. तो मैं सोच रही हूँ मैं अपनी सारी भड़ाक ना इसमें निकालूंगी. जब मैंने उसके अंदर पैर डाला वो दलदल टाइप में था, मेरा पैर ऑटोमेटिकली नीचे खींच रहा था. वो आधे साइज के क्या प्रोफेशनल रेसलिंग करते हो, कितनी जान होगी. मैंने कहा पहले इस बंदी का बैलेंस बिगाड़ूंगी तो पैरों से बिगाड़ूंगी, तो फिर खुद ही गिर जाएगी. शी वॉज वेरी प्रोफेशनल, उसका पुशिंग टेक्निक इतना अच्छा था कि मैं अपना स्टिक मूव नहीं कर पा रही थी. और जो फाइनली मैंने एक मूव लेने का सोचा. स्वाति वन, रूप जीरो. एक स्ट्रेटजी थी, इन केस मैं नहीं कर पाती तो मैं इतना जरूर कर दूंगी कि मैं उसको थका दूंगी. Ready? कि मेरे से आधे साइज की लड़की ने मुझे पिन डाउन कर दिया, शर्म आनी चाहिए मुझे. नेक्स्ट. फिर उसके बाद नंबर आया रूपाली.
जब बाहर आई थी उसने मुझे ये बता दिया था कि उसका पुश बहुत स्ट्रांग है, मेरे को बस ये था कि मैं उसको किसी तरह गिरा सकूं। रूपाली आर यू रेडी? स्वाति रेडी? यस। चल चल चल। रूपाली ने जस्ट एंट्री की थी। तो एक मिनट भी रूपाली को खड़े नहीं होने दिया, उसने उसको भी गिरा दिया। मुझे एक झटके में ही समझ आ गया था कि इसने मुझे बहुत इजीली पुश कर दिया है। रूपाली, आर यू रेडी? स्वाति रेडी? चाहे मैं मर जाऊं चाहे कट जाऊं, लेकिन मुझे रूपाली से नहीं हारना था, चाहे कुछ भी हो जाए। वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि वो लास्ट ट्राई था, उस समय मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। रघु सर इतने नर्वस थे उस मोमेंट पे, उन्होंने तो उम्मीदें ही छोड़ दी थी हमसे, उनको तो लगा बस ये दो गई ये तीसरी भी गई, अब हमें कोई नहीं जिता सकता, मैं जो तीन लड़कियां और मैं अकेली। उसकी टेक्निक है वो पूरे टेक्निक से पुश डाउन करती है जो जो हमें आती नहीं है, बट तू पागल हो जा, मुझे पलक चाहिए। पलक, स्वाति रेडी? पलक वन, स्वाति जीरो। पलक ने पहली बार स्वाति को गिरा दिया तब मैं समझ गया आ गई पलक के अंदर भैंस, अब ये ठोकेगी सबको। पलक गो मैच। पलक टू, स्वाति आउट। जब उसने कर दिया तो मैं काफी शॉक थी, आई वॉज रियली रियली प्राउड ऑफ हर। वेल डन पलक, दो और बची हैं, तुम आखिरी हो अपनी टीम से। मैं इसकी वेट कर रही थी। आजा अंदर, आजा आजा अंदर। सोनल रेडी? यस सर। स्माइल बेबी। सोनल उसने स्टिक उठाई, उसने ढक करके मेरे फेस पे मारी। वो बहुत एग्रेसिव हो गए, उन्होंने आप देखा ना ताव, बस हमला करना शुरू कर दिया। सोनल जीरो। जब मैं फर्स्ट राउंड में हार गई मुझे लगा कि ये फाइट प्यार से तो जीती नहीं जा सकती। गुस्सा आ रहा था कि ऐसे मेरे साथ क्यों बिहेव कर रही है। मेरा हो गया दिमाग पागल। मैंने पकड़ा उस स्टिक को और मैंने उसको ऐसे धक्का दिया। आप थर्ड थी रमनदीप, वो इतनी हट्टी कट्टी, मुझे तो भैंस के बराबर लग रही थी मेरे सामने। पलक, हम अभी भी 50,000 रुपए जीत सकते हैं। कीप द फोकस, कीप द मैडनेस ऑन। रमन, तू भी जट्टियां याद रखी। Raman, ready? मैंने उसके मारा पांव पे उठा के। मुझे उसके आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सड़क नीचे गिरी वो। गुड शॉट पलक, गुड शॉट। पलक वन, रमनदीप जीरो। पलक रेडी? या। रमन रेडी? या। रमनदीप वन, ये बार जो जीता उसके टीम पे 50,000 रुपए। ये जो एक पॉइंट है ना बहुत ही मायने रखता है मेरे रघु सर के लिए, मेरे टीम के लिए, मेरे कुछ भी हो। अब मुझे नहीं है, अब मुझे इस बंदी को चखना है। आई वॉज द ओनली होप। और ऊपर से जो प्रेशर आ जाता है ना आपके अंदर, जो चीज प्रेशर में जब करनी हो ना तब आपकी सच में लग जाती है।
Farah, come on! Farah, gira usse, gira, gira! Something from Raghu sir, क्योंकि मैं पिछले सीजन में मुझे बहुत गालियाँ पड़ी थी रघु सर से. Finally he thinks now कि मैं perform कर सकती हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई. This is what you guys deserve. Do that. बताएंगे तुमको.